सभी भैयों को नमस्कार। राम राम, जय हिंद, जय गौ माता। मैं अरावली डेयरी फार्म किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान से आमिर पठान बोटा बोड़ गद्दो ओड़ ओड़। देखो जी भाई साहब, दूध तो मैं ना पा नहीं रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट लैक्टेशन गिर का सीधापन दिखा रहा हूँ। लोग कहते हैं ना गिर लात मारती है, ये फर्स्ट लैक्टेशन है, आगे पीछे हिल सकती है, पैर उठा सकती है, पर लात नहीं मारेगी, ये चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। और फर्स्ट लैक्टेशन का कैसे दूध निकाला जाता है ये दिखा रहा हूँ आपको। और चारों थन चालू हैं, जिन्होंने ली है उनको भी दिखाना चाहता हूँ कि भैया चारों थन चालू है। जिन भैया ने खरीदी है वो कह रहे थे मेरे को थन चेक करा दो, तो फिर मैंने कहा आपके घर तक की गारंटी है, लेकिन उनको फिर भी वीडियो बना के भेज देता हूँ कि चारों थन चालू की मैंने गारंटी ली थी, तो आप देखो चारों थन चालू है। ठीक है, चारों थन चला के दिखाओ रे भाई। और ये धारे वारे फट नहीं दिए, कीले खुली है, तो कीले अभी पूरी खुलेगी, थोड़ा सा भाई नाखून से पकड़ के खींच लेंगे तो पूरी कीले सही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी उसको गाय को गौमाता को दर्द नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अभी तो आ रहे हैं, धार फट रही है, फटने दो, फिर बाद में लास्ट में पकड़ के खींच लेंगे कील को, जो थन बंद हुए रहता है ना कील, उसकी वजह से। ठीक है, तो देख सकते हैं आप फर्स्ट लैक्टिशन स्वर्ण कपिला गौमाता की मिल्किंग वीडियो, जिसके नीचे स्वर्ण कपिला बछड़ी है। और ये मेरे इतिहास के अंदर, मैं 2011 से काम कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, उसके दो साल पहले बिना यूट्यूब भी बेची थी गाय। ठीक है, तो मेरे लाइफ के अंदर ये पहला ही वो वाक्य बना है कि स्वर्ण कपिला गौमाता ने 100% स्वर्ण कपिला बछड़ी दी हो, और वो भी 100% प्योरिटी के अंदर। ठीक है, बाकी मेरे पास तो स्वर्ण कपिला की स्वर्ण कपिला हुई नहीं अभी तक। ठीक है, ये पहला इतिहास बना है। और देख लो, जहाँ पे मिल्किंग स्टार्ट की थी, जहाँ पे पैर रखे थे वहीं पे पैर है, पैर नहीं उठाया है, पैर को नहीं लात मारी है। ये गौमाता की, गिर गौमाता की खूबसूरती प्योरिटी होती है। ठीक है, और किसी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, एक ही बंदा बैठ के आराम से निश्चिंत होकर दूध निकाल सकता है, जो 100% प्योर होगी गिर गौमाता उसकी। ऐसा नहीं कि आप क्रॉस ब्रीड वाली गिर, जो 50-60% वाली आती है, 40% वाली आती है, सस्ती वाली गिर आती है, उसके अंदर भी आप ये चीज़ करके बैठ जाओ तो दांत तोड़ देगी और डॉक्टर की कमाई हो जाएगी। और एक दांत बहुत महंगा बनता है, तो उतना भी विश्वास मत करना, लेकिन 100% प्योर गौमाता हो तो नो टेंशन होके नीचे बैठ जाना। ठीक है, आगे हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, पैर उठा देगी, लेकिन लात नहीं मारेगी। बच्ची गलत चली गई, बच्ची रॉन्ग साइड चली गई है, तो उसको वापस ऑन साइड लाते हैं। जा बच्ची लिया बड़ी गुजार तक को दे दे। वीडियो नहीं, नहीं चल रहा है, ले दे तो चला तो बना। बच्ची गलत चल गई, जा जल्दी आ बच्ची लिया। पाँव पकड़ ले बच्ची का, पाँव बांध दे, जा यूं बांध ले, यूं बांध दे पाँव, अटका दे बस, और कहीं है कर दो तो काम, जाओ। ओ अक्कू बाल्टी खाली कर, बाल्टी खाली कर, ये तेरे पीछे पड़ी, उल्टी करके खाली कर। हाँ चलो डाल, थोड़ा नज़दीक ले ले, जो वीडियो में कटे नहीं बाल्टी। मैं सही बता रहा हूँ आपको, 2 लीटर दूध तो हमने बच्ची के ऊपर डाल दिया कि भाई गाय चाटती रहे, ध्यान आकर्षित होए, वाह हो।
सोण कपिला गो माता सोण कपिला बचिया ई केड़ा ना डरे ये मत समझना कि धार फटने वाली है, छर्रा है या पपैया है, ये कीले सही नहीं खुली है इसलिए लग रहा है। एक आगे वाला थन बच्चे के लिए रख लियो क्रम ने, वो पीछे वाला ज्यादा मोटा है, आगे वाला रख लियो। हाँ ये सही है। बच्चे ने आगे तक को दियो भाई थोड़ा सा। पेट की चौड़ाई देखो गौ माता की, सेल आउट हो चुकी है, बिक चुकी है, अंबाला में मंदिर के लिए जाएगी, लेकिन राजस्थान की अरावली डेयरी की बेस्ट प्योरिटी बेस्ट ब्रीड की गौ माता मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बच्ची पीछे चल गई, तो चल जाए यार, लिया दो बाली, ये दोबारी का ही देर लागी, धक्को देता बड़ी कर जा, धक्को देता बाल्टी का निकलना, बाल्टी का निकलना। हाँ बट बैठ जा, तू बैठ जा बटी। पकड़ ले बच्ची ना, राहू पकड़ ले, दे दे तक को वापस। देख सकते हैं धार गोल आने लगी है। अब देख लो आप, धार गोल आने लग गई है, वो खील खुल गई उसकी, देखो
बहुत से लोग सोचते हैं कि तारीफ बेचने के लिए करते हैं। तारीफ जिस चीज़ की होनी चाहिए वो बिक गई या नहीं बिकी और तारीफ करने लायक चीज़ होगी तभी तारीफ करेंगे। हर कोई गाय की तारीफ नहीं करते, ठीक है। पहली बात तो मैं अपने आप को इतना समझदार या अपना आप में इतना एक्सपीरियंस या शाणा मानता हूँ कि मेरे को कोई हल्की गाय नहीं बेच सकता, ठीक है। मैं कब परचेज नहीं करता हूँ हल्की गाय, ठीक है। मैं गाय खरीदूँगा उसमें या तो एडर अच्छी होगी या थन अच्छा होगा या दूध अच्छा होगा या प्योरिटी अच्छी होगी या वो अच्छे बच्चे पैदा कर रही होगी या लॉन्ग टाइम मिल्किंग कर रही होगी, इनमें से कोई क्वालिटी होगी तो ही देख के लूँगा। प्योरिटी तो मैं देख के लेता ही हूँ, बाकी कोई हल्की गाय लूँगा ना तो इसमें से कोई क्वालिटी होगी तो ही देख के लूँगा, नहीं तो ऐसे नहीं लेता हूँ मैं। फर्स्ट लैक्टेशन में जो लोग कहते हैं हरियाणा वाले ज़्यादा कहते हैं, डरते हैं हरियाणवी गाय वाले पहली मिल्किंग है इसकी, के ऐसे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गाय दूध पीने लग जाती है। मैंने तो ऐसी कोई गाय मेरे यहाँ पे बच्चा नहीं दी जिसको मैंने ये दूध नहीं पिलाया हो या दूध नहीं चटाया हो। और मैं रियल ये 12 लीटर की बाल्टी है, वो 6-6 लीटर की बाल्टी है, ये 12 लीटर की बाल्टी है, तो दूध नापने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे हिसाब से 10-11 लीटर दूध है, मैं नज़दीक चल के दिखा दूँगा। और 3 थनों का है, 1 थन बच्ची के लिए छोड़ा हुआ है और अभी भी मैं आपको बताऊँ और दूध निकल सकता है पर नहीं निकालेंगे, एक साथ पूरी खाली नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बाल्टी दिखाता हूँ, 6 लीटर की छोटी वाली बाल्टी है और ये 12 लीटर की बड़ी वाली बाल्टी है और ये 10 लीटर 9 लीटर जितना भी आप मानो उतना दूध है। और ये थनों को साफ़ पानी और लाल दवा से के पानी से धो रहे हैं जो कोई इन्फेक्शन नहीं फैले, और इसके बाद तेल वगैरह लगाया जाएगा और पूरा क्लियर करके फिर भेजा जाएगा, ठीक है भैया।